नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत की संविधान विश्व में महत्व। संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से भारत सरकार ने यह दिवस मनाने का संकल्प लिया और आज भारत के विभिन्न जगहों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ हर राज्य, जिला, स्कूलों, ऑफिसों में मनाया गया। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए, हरीश सरोवा पंजाब से एक रिपोर्टिंग। आज 26 नवंबर 2019 का दिन है और आज के दिन हमारे संविधान को बने कितने साल हो गए, 70 इयर्स। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। ये जो संविधान है इसके अकॉर्डिंग ही भारत की सारी व्यवस्थाएं चलती है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे विधानपालिका है, चाहे मीडिया है। भारत का संविधान जो है वो हमारे को क्या देता, सारे अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कहीं भी रहने का अधिकार। तो इसने हमारे को पावरफुल किया। तो जो भी सरकार है वो पावर कहां से लेती? भारत के संविधान से। तो इसको आज हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके बीच में जागरूकता आए। बहुत कम बच्चों को ये पता था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और बिटवीन में लगभग 2 साल और कुछ महीने लगे थे जिससे हमारा संविधान तैयार हुआ। और संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके अलावा भी इसके बहुत से मेंबर थे, यानी ये संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। इसमें भारत के लगभग उस समय के बुद्धिजीवी, कुछ फ्रीडम फाइटर सारे इसमें शामिल थे, जिन्होंने मिल लिख के एक ऐसी रवायत बनाई जिससे सदियों सदियों तक हमारा जो है भारत क्या होगा उससे नियमित होगा। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से हमारे। दोस्तों, भारतवासियों, एक बात ध्यान रखना, अपने घर के आसपास पेड़ लगाओ, पौधे अधिक से अधिक लगाओ, देश बचाओ, प्रदूषण को बाय बाय करो, लड़कियों को पढ़ाओ, भारत का रीति रिवाज और संस्कार सिखाओ। जय हिंद, जय भारत।